ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्राइम डिबेट में हम चर्चा कर रहे हैं मॉरल पुलिसिंग पर। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि आम जनता इस पर क्या राय रखती है। जर्नलिस्ट नूं किसी भी पत्रकार नूं इह चीज़ का हक दिता हुआ कोर्ट वालों भी तुरे जांदे किसी भी बंदे दी ओह स्नैप खिंच सकदा, किसी की परसनल लाइफ दे विच इंटरफेयर कर सकदा, इह कित्थों तक सही है। कितें भी बैठे 18 साल तो लैके 21 साल का मुंडा होवे, 18 साल दी होवे, कोर्ट वालों इह नहीं यार कि उन्होंने पेरेंट्स का देखना भी मेरा बच्चा गलत कर रहा है या सही कर रहा है। पुलिस कौन होंगी उहदे विच इंटरफेयर करन? कुड़ी 18 साल के उत्ते है, मुंडा भी 18 साल के उत्ते, बालिक है। अजकल हुण को एजुकेशनल स्कूल ने जी, को एजुकेशनल कॉलेज ने, काम भी करना हुंदा उन्होंने जाना हुंदा, तो हुण कई हुंदियां फिर भी कुड़ियां भी घरे नहीं दस के जांदियां भी क्योंकि घर दे थोड़े कंजरवेटिव ने अपनी पंजाबी फैमिलीज, पर यह तो उन्हां दी सरासर गलत गल है जी। वह कहिंदे जी असीं थोड़े फैमिली नूं बुलाउने आ, उह मॉरल पुलिस नहीं है। उन्हां दी पुलिस दा काम है जे कोई हाँ जी रूल तोड़ रहे हैं, कोई पब्लिक प्लेस से कुछ गलत काम कर रहे हैं या फिर कोई मतलब कोई नशे कर रहे हैं तो उस तो रोको, इहदा कोई मतलब नहीं है। वीडियो सरेआम जा रहा है आपां नूं या किसे नूं भी, चाहे कोई जर्नलिस्ट है, चाहे कोई भी है, चाहे कोई पुलिस है, हर कोई 18 ईयर्स तो अबव हैगा तो उन्होंने राइट है आपकी लाइफ आपके तरीके जीण का, कोई वो लाइफ से इंटरफेयर नहीं कर सकता। ईवन अच्कल तो पेरेंट्स भी इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि ठीक है बच्चे अगर वे ने समझदार ने तो उन्होंने उन्हें लाइफ से घट इंटरफेरेंस होए, ठीक है, क्योंकि बच्चे अच्कल आप ही इन्ने समझदार ने, उन्होंने आपके चंगे माड़े बारे आप ही पता होंगे। मैं यही कहूँगी कि अगर कोई लड़की किसी के साथ बाइक पे जा रही है उसकी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, अगर वो कुछ गलत कर रहे हो तो जर्नलिस्ट का फर्ज बनता है लोगों को अवेयर करना, कुछ गलत दिखाएं, मतलब कुछ गलत हो रहा हो तो दिखाएं। जब कुछ गलत नहीं हो रहा और लड़की ने ऑलरेडी कहा है कि तुम मत इसे छापना, तो जर्नलिस्ट की मतलब गलती है, उसने ये सब किया। जो लड़की की जान गई है वो गलत गई है, मतलब जो जर्नलिस्ट हैं उनको लड़की की जो पर्सनल लाइफ है उसमें मतलब इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जर्नलिस्ट को कोई ऐसा हक नहीं है, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि हमें एक एज होती है, ऐसी पैरामीटर होता है, उसके बाद हम आ जा सकते हैं, किसी के साथ भी जा सकते हैं, बट लड़कियों के दिल में एक इस तरह का डर होता है, वो उसने बयां भी कर दिया, उसके बाद भी अगर ऐसा जर्नलिस्ट करते हैं तो ये गलत बात है। नौजवान बच्चे हैं, बड़े सेंसिटिव आजकल, पर ये तो कहते हैं ये हमारी भी डेमोक्रेसी का हमें पता है, लेकिन दूसरों की डेमोक्रेसी के बारे में नहीं ये सोचते उनकी डेमोक्रेसी क्या है। पार्कों में चले जाओ, जो पेरेंट्स हैं बुजुर्ग है वो जा ही नहीं सकते आजकल, माहौल बहुत ख़राब है, तो ये बहुत गलत है, दोनों तरफ से गलत है स्टेप जो हुआ है। जर्नलिस्ट का भी है गलती है उसकी भी, उसको भी नहीं चाहिए था ऐसे बताना, नहीं चाहिए था फोटो खींची है नहीं खींची है। बच्चे तो सेंसिटिव है ही है आजकल, एक एक दो दो बच्चे हैं, गलत स्टेप उठाने में एक मिनट लगाते हैं आजकल। भूपिंदर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने एक आम जनता के जो रिएक्शंस हैं वो सुने, आपने उनके माइंडसेट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की होगी, तो आपको क्या लगता है कि सोसाइटी एट लार्ज जो है वो भी कहां तक जिम्मेदार है? और दूसरी तरफ अगर मैं आपसे पूछूं, जिस लड़की ने अपनी इतनी कीमती जिंदगी को खत्म किया है, तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि आजकल जो एक रेजिस्टेंस पावर होती है या एक लेवल होता है किसी भी नौजवान का इतनी बिजी लाइफ में, इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में, वो भी कहीं ना कहीं बहुत कम हो गया? देखो, इन सोसाइटी देयर इज अ कन्वेंशनल स्टैंडर्ड ऑफ मॉरल कॉन्डक्ट जी, बट आजकल हमारी जो सोसाइटी है वो चेंज हो रही है। मैं तो कहूंगा रेवोल्यूशनरी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस व्हिच वी विल नॉट गो इनटू, और उसकी वजह से जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उनमें भी बहुत ज्यादा चेंज आ गया। तो इवन 20 साल 25 साल या 30 साल पहले जब हम से कॉलेज में थे उस वक्त एक से लड़का लड़की का क्या एक रिश्ता होना चाहिए, कैसे उनको बिहेव करना चाहिए, एक स्टैंडर्ड एक था, और आजकल के दिन में कुछ और है। अब वो ठीक था और ये गलत है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा जी। तो वी हैव टू इवॉल्व विद द चेंजिंग सोसाइटी, और जो पेरेंट्स हैं, जो बाकी मॉरल गार्डियंस हैं बच्चों के, उनको भी ये समझना चाहिए, और उनको घर में भी इनको बताना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए कि ऐसे ऐसे भी ये इतना ठीक है, इस हद से उस ऊपर जाना ठीक नहीं होगा। और आजकल हर एक को इतना एक्सेस हो गया है अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इंटरनेट है, टीवी पे देखते हैं जी। तो पूरे जो 20-30 साल पहले जो एक स्टैंडर्ड थे ऑफ पर्सनल कॉन्डक्ट वो काफी चेंज हो गया। ठीक है, देर आर सर्टन राइट्स एंड रॉन्ग्स, मतलब के जैसे के झूठ बोलना बिल्कुल गलत है, करप्शन इज रॉन्ग, उसके बारे में देर इज नो
यू कैन नॉट से कि भी ठीक है इतना कर लो इतना ना करो, बट रिगार्डिंग अदर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन यंगस्टर्स, बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ एंड आई मीन वी हैव टू एक्सेप्ट दैट देयर इज अ चेंज. राइट, एंड वी आजकल जो एक यंगस्टर्स हैं वो एक सर्टन लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं और आई थिंक उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पुलिस के कॉन्डक्ट के साथ है, पीपल ऑफ अथॉरिटी. और मैं तो यही मान के चलता हूँ कि पुलिस कैन नॉट बी द मॉरल गार्डियंस ऑफ द पब्लिक. राइट, उनको कोई ना तो सोसाइटी ने ऐसा कोई उनको उनके ऊपर रोल दिया गया है कि भाई आप बैठ के मॉरल पुलिसिंग करिए, और ना ही लॉ से उनके पास कोई ऐसी पावर्स हैं जिसकी आजकल. भूपेंद्र जी, सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि जो आम जनता है, आप जैसे और हम जैसे लोग हैं, वो स्नैचर्स और थीव्स को पकड़कर पुलिस के हवाले करते हैं. और पुलिस की सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि वो इस तरह की मॉरल पुलिसिंग पर आ गई है. और एक देखिए, आप छोटे से कपल था जिसकी वजह से, और वो एक ऐसी सिचुएशन में फंसे जहां पर उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है, मगर फिर भी उस लड़की की जान चली गई. जो मेरे को लगता है मीडिया को वहां पे पुलिस खुद ही लेके गई होगी जी, कि भाई देखिए हम ये सब कर रहे हैं ताकि कुछ गुंडागर्दी होती है, कोई ई टीजिंग होती है, उसको कैसे हम रोक रहे हैं जी. तो इसीलिए मीडिया होगी ताकि एक पब्लिसिटी मिले. और उनका ऑब्जेक्टिव तो यही होगा ना कि अपनी एक इमेज बढ़ाने के लिए. Absolutely. मगर इन्होंने तो ऐसा काम किया है जिससे उनकी इमेज तो बिल्कुल खत्म हो गई. राइट, नॉट ओनली दैट, पर्सनली दे मे बी लायबल फॉर डिसिप्लिनरी और इवन क्रिमिनल यहाँ पे. तो अब जैसे कि दिखाया जा रहा है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ विटनेस टू सुसाइड, इट कैन नॉट बी रूल्ड आउट. कंप्लेन दे तो इट कैन बी अ वेरी सीरियस एलिगेशन, इट कैन नॉट बी जस्ट ब्रश्ड असाइड. राइट, श्रुति, आप सोसाइटी एट लार्ज जो है आप उसको कितना जिम्मेदार समझते हैं जो ये घटना हुई? आई थिंक ओवरऑल इस पूरी सिचुएशन में सोसाइटी ही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है. हमने एक थोड़े से एल्डरली पर्सन का व्यू भी सुना वॉक्स पॉपुली में, यू नो द वे ही सेड कि पार्क्स तो इस लायक ही नहीं रहे कि वहां सीनियर सिटीजन जाए. यू नो, वहां तक अगर आप उनको बाकी यंगस्टर्स की बाइट्स जो साउंड बाइट्स चली हैं उनके साथ अगर आप कंपेयर करें, कॉन्ट्राडिक्टरी, एब्सोल्युटली कॉन्ट्राडिक्टरी. राइट, और अगर देखा जाए तो जो यंगस्टर्स की बाइट्स यहाँ पे चली हैं तो वो काफी हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो थी वो बात कर रहे थे सब लोग. और इसमें पूरी सोसाइटी का रोल इसलिए भी है कि वो लड़की इतनी डरी हुई क्यों थी, क्या किया था उसने. यू नो, पहले उन्होंने नाके को जंप इसलिए किया कि वो पकड़े ना जाए जी. पकड़े ना जाने का क्या डर था? बिकॉज उनको ऑलरेडी पता था कि वो कट्ठे दिखेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी. राइट, बिकॉज देयर इज अ सोसाइटी का ये जो गलत पेरेंट्स तक बात पहुंचेगी, लड़की ने घर पे झूठ बोला था तो क्यों बोला था? पेरेंट्स शुड बी ओपन. आपका कोई बॉयफ्रेंड है, साथ पढ़ता है, नॉट एग्जैक्टली यू नो यू हैव अ अनफेयर रिलेशन विद हिम. आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, वो घर आए, आप उनके घर जाएं. पेरेंट्स शुड ऑल्सो नो लड़की किसके साथ घूमती है जी. एक उस जो माहौल है वो घर के लेवल पे भी क्रिएट होना चाहिए ताकि वो इस सिचुएशन तक ना पहुंचे. बच्चों को अपने पेरेंट्स में भी कॉन्फिडेंस जो हो वो होना चाहिए, मगर वो उसी से बनेगा अगर बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ हर चीज जो है शेयर करेंगे जी. जितेंद्र जी, जैसे कि छोटी छोटी बात पे किसी को मुर्गा बना देना, किसी को जैसे इन्होंने फोटो जर्नलिस्ट ने किया, पिक्चर लगा देनी, उनको उस हिसाब से ब्लैकमेल करना कि आपकी जो है वो पिक्चर पब्लिश होगी, ऐसे तो जो आम जनता है, जो राह चलता इंसान है, वो तो कल को पुलिस को अप्रोच ही नहीं कर पाएगा. अगर कोई भी उसको किसी तरह की भी कोई दिक्कत हो और वो चाहता हो कि मुझे पुलिस से मदद मिलेगी तो वो ये नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जो मीडिया का रोल आ गया ना, मीडिया का रोल पुलिस के साथ मिलकर दादागिरी वाला हो गया है. उसमें लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का या उनके साथ चलने की कोई बात नहीं रही. अगर यहाँ हम ध्यान से देखें तो मीडिया का रोल तमाशबीन का, संवेदनहीनता का और अमानवीय है, क्रुएलिटी जिसको हम कह सकते हैं. ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, जैसे मैंने शुरू में कहा था ये आइसोलेटेड भी नहीं है. अभी पीछे आपने देखा होगा एक तांत्रिक औरत ने 10-11 साल की बच्ची को पीट पीट के मार दिया, पंजाब की ये घटना है. उससे पहले गुवाहाटी की घटना है. इसमें मीडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व है, पर इस मीडिया की कहीं पे कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुई जी. इसी कारण मीडिया जो है सनसनी के चक्कर में कि सनसनीखेज खबर बना दें या आज की हमारी सबसे बड़ी खबर बन जाए. मीडिया का ये रोल सिर्फ इसलिए मेरे हिसाब से कि वो मार्केट फोर्सेस से ड्राइव होकर आता है. बिल्कुल बिल्कुल, मार्केट फोर्सेस
प्रॉफिट मोटिव है उनका। तो मीडिया का रोल जो सोशल अकाउंटेबिलिटी का होना चाहिए, जनता को सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के अलावा उसकी जिंदगी के साथ जुड़ के चलने का होना चाहिए, वो नहीं है। एक नेगेटिव भूमिका यहाँ पे मीडिया निभा रहा है। डॉक्टर श्रुति, जैसे हाँ जी, कैन आई जस्ट इंटरव्यू, आई जस्ट वांट टू से कि मीडिया को हम बैड लाइट में तो देखते हैं, यू नो इट्स वेरी इजी टू से देयर आर प्रेशर्स इन मीडिया आल्सो, पर यहाँ पे सोसाइटी कैन टेक इट बोथ वेज, यू नो आफ्टर दिस इंसिडेंट सोसाइटी कैन लर्न अ बेटर लेसन, राइट, दे शुड इम्प्रूव देमसेल्व्स। राजनीति सम एथिक्स, कई बार नेगेटिव इंसिडेंट्स इसलिए दिखाए जाते हैं कि उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। देखिए कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन को संभालने की जरूरत होती है, अगर वो सोसाइटी के डर से उन्होंने कुछ किया तो हम ठीक है सोसाइटी को ब्लेम कर सकते हैं, मगर अगर जर्नलिस्ट और पुलिस तक बात आई थी, अगर वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से उस चीज को हैंडल करते तो सिचुएशन आज यहाँ नहीं होती। तो देखा जाए तो तीनों जो पहलू हैं वो इसमें गलत साबित हुए। एक बच्चे को कॉन्फिडेंस में लेना था ना कि कुछ नहीं ऐसा होगा, मीडिया उसके सामने फोटो इरेज भी कर सकता था, फोटो देनी इतनी जरूरी नहीं, एक बच्चे की जिंदगी ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर श्रुति, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कि इन्होंने कुछ इंसिडेंट्स जो पीछे हुए हैं, गुवाहाटी वाला जो इंसिडेंट है वो तो काफी बढ़ चढ़कर जो मीडिया में आया, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस उस जर्नलिस्ट को भी फेस करने पड़े, उस चैनल को भी फेस करने पड़े, तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर जब आप ऐसी घटना देखते हैं जहां पे सीधा सीधा मीडिया इन्वॉल्व होता है, जहां पे मीडिया उस इंसिडेंट की पिक्चर्स खींचने में रिपोर्ट करने में बिजी होता है, ना कि उसको वहां पे उस सिचुएशन को वो संभाल भी सकते हैं अगर दो चार लोग हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि पुलिस को रीओरियंट जो है वो कैसे किया जा सकता है? पहली बात, मीडिया का थोड़ा सा सेल्फ रिस्ट्रेंट बहुत जरूरी है। इट इज नॉट ओनली कि आपने एक खबर छापनी है जो आपको ज्यादा पब्लिसिटी दे या आपके चैनल को ज्यादा, जो भी न्यूज़पेपर चैनल जो भी मीडियम है उसको बढ़ावा दे। एक व्हेन वी टॉक ऑफ पब्लिक गुड, पब्लिक अवेयरनेस, मीडिया का उसमें इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल है कि भी हम मीडिया भी ऐसी प्रोजेक्ट करे इमेज व्हाट दे वांट द सोसाइटी टू डेवलप टुवर्ड्स। तो एक एथिक्स आई एम श्योर एवरी मीडिया दिस थिंग मस्ट बी हैविंग एंड दे हैव टू फॉलो दैट एंड दे हैव टू एक्सरसाइज दैट सेल्फ रिस्ट्रेंट कि हम ऐसी कोई चीज ना करें जो हमारे सोसाइटी के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक हो। जी, मेरे पास समय बहुत कम है। दूसरी, अगर हम पुलिस की बात करते हैं, कैन यू जस्ट रिपीट, पुलिस को हम कैसे जो रीओरियंट हम जो है वो उनका हम है? हमारे जो एंट्री लेवल है पुलिस में, आई थिंक कांस्टेबल्स या जो भी हैं, आई डोंट थिंक हम उनको कुछ भी बताते हैं, कोई ट्रेनिंग देते हैं कि हमारे को ये लॉ है और हमारे को उस पर ही सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है। हमने आईपीसी के अंडर क्राइम्स हो रहे हैं, हमने उनका देखना है। अब हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हमने सोसाइटी में लोगों को ये सिखाना है कि क्या करें कि क्या नहीं। आपको अपनी जो वर्दी दी गई है उसका जो है मिसयूज आपको नहीं करना। एजुकेशन एट दैट लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, ये जो एक मुद्दा है ये तो बहुत ही बड़ी जो डिबेट है वो मांगता है, मगर अभी हमारे पास वक्त जो है उसकी कमी है, तो आप स्टूडियो में उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जालंधर की इस घटना ने कई ऐसे सवालों को जन्म दिया है जिनके जवाब ढूंढने बहुत जरूरी हैं। बहरहाल सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, देखना होगा सरकार की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इसी के साथ आज की प्राइम डिबेट यहीं पर खत्म होती है। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़।